तो वहीं भिवानी में रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बाजार सज चुके हैं, रंग बिरंगी राखियों की दुकानों पर लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। तो रक्षाबंधन के इस मौके पर डाक विभाग ने भी विशेष तैयारी की हुई है। विभाग ने ऐसा लिफाफा तैयार किया है जिसमें राखियां किसी भी मौसम में खराब नहीं होंगी। डाक विभाग के अधीक्षक हरीश कुमार के मुताबिक विशेष तौर पर बने लिफाफे केवल 10 रुपये में उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं इन लिफाफों को किसी भी डाकघर से लिया जा सकता है। भारत देश त्योहारों का देश है और यहाँ पर हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। फिलहाल तीज जाने के बाद अब रक्षाबंधन का त्यौहार आ चुका है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। भिवानी में हम जिस प्रकार से खड़े हैं, आपको दिखा दें कि राखी की दुकानें जो हैं सजने लगी हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर राखियाँ भिवानी में आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से राखियाँ जो हैं आ चुकी हैं। और बहनें भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए, राखियाँ खरीदने के लिए भी पहुंच चुके हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरह की राखियां जो हैं इस समय कस्टमर लेने के लिए आ रहे हैं, किस तरह की राखियां जो हैं प्रचलन में हैं। मैम क्या कहेंगे आप, किस प्रकार की राखियां जो हैं वो इस बार आ रही हैं और प्रचलन में हैं? राखियां वैसे तो सब तरह की पसंद करते हैं, पर जनरली सबको है ना नाल का धागा बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो नाल का धागा शुभ होता है और वो सूती होने के चक्कर में बहुत दिनों तक बंधा रहता है। तो नाल के धागे में ज़्यादातर लोगों की चॉइस रहती है कि पतली राखी हो। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हम बड़ी बड़ी राखी बांधे जो कुछ दिनों तक दिखती भी रहे। तो मिली जुली राखियाँ ही बिकती हैं, पतली भी और चौड़ी भी। और कुछ लोगों को भाभी और भाई के कपल राखी सेट चाहिए होते हैं तो हमारे पास वो भी होते हैं। इस बार हमारी इविल आई की राखी सबसे ज़्यादा बिकी है, क्योंकि इविल आई का मानना है कि सब लोग कहते हैं इविल आई बुरी नज़र से बचाती है, तो वो लोगों को लगता है कि इविल आई की राखी अपने भाई को बांधेंगे। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे किस प्रकार की जो राखियां हैं इस बार नई आई हैं, आप राखी की दुकान के ऊपर भी खड़ी हैं, क्या कहेंगे क्या क्या राखियां आपको, किस तरह की राखियां जो है वो पसंद आती हैं इस बार? जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, ऑर्गेनिक कॉटन थ्रेड्स में हमें बहुत राखियों के ऑप्शंस मिले हैं, जिसमें हमारे पास राखी लुम्बे के सेट्स भी हैं और कुछ राखियाँ भी हैं जिसमें हमने ये अभी देखी हैं। तो इसमें हर तरीके की हैं, और हमने इस बार ये भी देखा है कि कुछ बहुत अलग तरीके के सोन भी आए हैं मार्केट में, हैंडमेड है, छाछ पे बने हुए मोतियों के काम में, हर तरीके के आप यहाँ देख सकते हैं सोन है, राखियाँ भी आप देख सकते हैं एडी में, कुंदन में, हर स्टाइल में। आजकल पेस्टल शेड्स बहुत इन हैं, तो इसमें बेबी पिंक, पिस्ता ग्रीन, ऑल कलर्स में राखियाँ अवेलेबल हैं। तो अब जैसे पहले हम देखते थे मरून और ग्रीन कलर ज़्यादा चला करते थे, लेकिन आजकल सब पेस्टल शेड्स में राखियाँ अवेलेबल हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कस्टमर भी जो हैं वो काफ़ी संख्या के अंदर हैं। बहनों का कहना है कि अपने भाई की के लिए जो है वो राखियाँ खरीदने के लिए आई हैं, ताकि वो उनकी रक्षा भी कर सके, और बहनें भी चाहती हैं कि उनका भाई जो आगे बढ़ता रहे, उनकी भी विशेष उन्होंने मांगी है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुंडरेजा। अन्य वर्षों की बात ही, इस वर्ष भी जो भाई बहन एक दूसरे से दूर रह रहे हैं तो उनको उनके लिए विशेष राखी कवर लेके आया है, और ताकि वो अपने बहनें अपने भाइयों को राखी भेज सकें। बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में ताकि राखियाँ ख़राब ना हो, इसके लिए वाटरप्रूफ कवर लेके आए हैं, और जिसकी कीमत मात्र 10 रुपये रखी गई है, और इस कवर को किसी भी डाकघर से हम प्राप्त कर सकते हैं।